और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाले हैं दो गेम प्ले और दो जॉर्ड लेवल गेम प्ले, और तुम्हारा भाई लेके आ गया तुम्हारे लिए एज हमेशा चिकन डिनर। और बाकी आज की वीडियो में आप लोगों के काफी सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बंदे ये बोल रहे कि हमने 100% कॉन्करर पॉइंट्स कर लिया है फिर भी टॉप 500 के अंदर नहीं आ रहे, कॉन्करर नहीं मिल रहा, और डेली कॉन्करर के लिए कितना पॉइंट्स बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा इतना ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स, तो हर एक चीज क्लियर की जाएगी। तो बस वीडियो को एंड तक देखना। और बाकी यार अब से कुछ भी हो जाए तुम्हारा भाई वीडियो के अंदर ना अपना करियर रिजल्ट नहीं दिखाने वाला भाई साहब, इतनी जल्दी नजर लगती है मेरे को। कल मैंने तुम्हें कुछ ये करियर रिजल्ट दिखाया था और आज का मेरा कुछ ये करियर रिजल्ट है। अब देखो इससे ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, ये माइनस प्लस तो चलता रहता है, गेम का ही पार्ट है। बोला बहुत आसान है लेकिन तशरीफ में उलट पुलट हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो गेम का पार्ट है, सह लेंगे थोड़ा सा। अब देखो ये जो इतने सारे माइनस पड़े हैं ना मेरे को, मतलब माइनस तो नहीं पड़े लेकिन मैचेस जो बेकार गए हैं, इनसे मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो रहा। अजी कद्दू मेरा डिमोटिवेट हो, 7-8 सीजन कॉन्करर लगा चुका हूं, इतनी सारी आईडीज में कॉन्करर लगा चुका हूं, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं हो रहा हूँ इरिटेट। अब तुम ये क्लिप देखो मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ, सुबह से मेरे को माइनस क्यों पड़ रहा है। सामने की साइड फाइट होती है, एक बंदा भर दिया गया एटीएम से। अब ये मारने वाले का नाम देख लो और नाम नोट कर लेना, ठीक है। अब एज अ नॉर्मल पर्सन मैं जाता हूँ भैया आगे रश करने की, अब आगे की साइड फाइट हुई है, एक बंदा बचा होगा, जहां भी होगा एकदम आराम से निपटा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बैठे थे दो टीम अप के चमन है। अब देखो खैर इनका भी कुछ नहीं कर सकते यार, इनकी भी गलती नहीं है, अब क्या करें यार, इनके बस की ना है, कुछ सालों के अकेले बस की ना है ना, अकेले आए इन्हें कुत्ता बना के मारा जाए। अब बाकी देखो तुम लोग सोचते हो गए टीम अप करने वाले टीम अप करते क्यों है, देखो ये लोग टीम अप इसलिए करते कि एक जगह पे जाके दोनों के दोनों बंदे बैठ जाए और फिर ये एकदम ऐसे डील कर लेते हैं। देख उधर से कोई बंदा आके तेरी मारेगा ना, अरे मतलब तुझे मारेगा ना तो मैं बचा लूंगा, और मेरी मारेगा अरे मतलब मुझे मारेगा तो तू बचा लियो। अब देखो हम में इतनी शक्तियां, हम हो गए रिकॉल, पोचिंग की मैं आराम से लूटपाट की वारदात को अंजाम देता, उतने में आती है एक बग्गी की रोटेशन, और देखो ये वाला बंदा कौन था, अब नाम पढ़ सकते हो, ये वही दूसरा वाला बंदा था जिसने अपनी पेटी लूटी थी, जिसने भी अपने को मारा था ना वो अभी बाकी है। और बाकी देख सकते हो जब ये अकेले में आते हैं ना इन्हें हवा भी ना लगती और इनके तोते उड़ जाते हैं। अब तुम बताओ बंदा करे तो करे क्या, ये बीच में के सर्वर अपनी अइया मैया करा लेते हैं ना। अब मैं उस बंदे को भी एकदम आराम से निपटाता और इसको भी ज्यादा कुछ हवा नहीं लगती, कभी इसके तोते उड़ गए। लेकिन भैया पता नहीं ये क्या मेरे साथ ही क्यों होता रहता है, अब सुबह से मेरे को माइनस सिर्फ इन्हीं 3-4 वजह से चल पड़ रहा है, क्योंकि एक तो देखो सर्वर नहीं चल रहा, मैं शॉटगन की गोली मार रहा हूं, बंदा मर नहीं रहा, वो मेरे को चिपका जा रहा है, मैं मर जा रहा हूं, उसके बाद ये टीम वाले अपनी अइया मैया करा ले रहे हैं। और बाकी कैंपर को कुछ नहीं कह सकते यार, उसकी अपनी मजबूरी होती है, हो सकता है डर गया वो बंदा या फिर उस पर लो एंड डिवाइस हो। अब जो भी हो देखो कैंपर लाख गुना अच्छा ही हैकर और टीम वालों से, ठीक है। कम से कम वो अपना लेजिट खेल के तो कर रहा है कॉन्करर, जैसे तैसे करके कर तो रहा है कॉन्करर, भले कैंप कर रहा है भाई, भले एक केडी से कॉन्करर करो, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए किसी को बताओ कि हाँ मैंने इतनी मेहनत से कॉन्करर करा है। अब ये क्या एक दूसरे की तुमने तस्वीर बचा बचा के कॉन्करर करा है कि हाँ जा तू उधर बैठ जा मैं इधर बैठ जा रहा, कोई भी आएगा दस लेंगे साले। ले फिर आ गए। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अरे ऐसे शौक मत हो, देखो वीडियो तो अब से स्टार्ट हो रही है, अभी तक तो तुम्हारा भाई भड़ास निकाल रहा था, अरे दिमाग खराब करके रख दिया, देखो मैं इरिटेट हो गया, मजाक बना के रख दिया साला। बाकी देखो तुम लोग भी जानते हो मेरे को माइनस माइनस से कद्दू फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा मैं खुश हो जाता, मस्त टाइटल मिल गया -158 कॉन्करर टियर इसकी बहस के मजे ही मजे। लेकिन यार मैं इरिटेट हो रहा हूँ इन बंदों से, ये ऐसे ऐसे माइनस पड़ रहे हैं तो दिमाग खराब होता है, बाकी फाइट में हार के माइनस पड़ जाए वो चलेगा, बाकी जस्ट इग्नोर सिली थिंग्स। अभी देखो बात करें अपने फर्स्ट गेम प्ले की, तो इस वाले मैच में इवेंट पे अपन भगा भगा के मारे गए, तब इधर की साइड एक बॉट था, तो उस बॉट को मारने के लिए मैं रुक जाता हूँ और एक भैया जी और रुक जाते हैं। अब देखो मेरी स्नाइपिंग देख के ये भैया जी अपने को हल्के में ले लेते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे को नूब समझ लिया था, लेकिन अब इनको कौन बताए मैं बॉट हूँ, और बॉट नूब में अच्छा होता है, बॉट की गोलियां जो चिपकती है ना कवर में और स्मोक में। अब देखो ये भैया जी पुश कर रहे थे, त्रम 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 त्रम, अब इन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा देते और अपना अच्छा खासा खाता भी खुल जाता है। अब देखो अब तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाता है कि क्राफ्टन की मैडम से बातचीत किसको कहते हैं, देखो बस किल्स की तरफ को देखो, देखा दिस इज हाउ बातचीत चलाओ। अब तुम्हारा भाई आराम से 5 किल करके जोन में जा रहा था कि अपने को इस वाले पेड़ से एक बंदे का फुटस्टेप आ जाता और मेरे को कहीं ना कहीं लगा ये बॉट होएगा, लेकिन ये बॉट नहीं था भैया, बड़ा महंगा बंदा था, उस पर गिली सूट है, और गिली सूट है मतलब ड्रॉप की गन।
लो भाई कर लो बात भाई, मैं परेशान हो गया पूछ पूछ के। बता दो यार तुम लोग कौन से ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहे हो कि तुम्हारा सीधा स्कोप जो है वो गाड़ी के टायर पे खुलता है। भाई ड्राइवर पे खोल लिया करो, ड्राइवर उतारना होता है, गाड़ी का टायर नहीं बाहर निकालना होता पकड़ के। अब ये भैया जी ने अपनी गाड़ी का ईएमआई कर दी। अब देखो कुछ भी कहो, तुम्हारे भाई के पास ना गेम सेंस कूट कूट के भरा। मेरे को पता था नेट मौली आएगा ही आएगा, और इन भैया जी ने मौली कर भी दी थी। अब देखो तुम्हारे भाई को यहाँ से निकलना था, अब बस देखते जाओ। ये भैया जी ऊपर से रोटेशन ले रहे और तुम्हारे भाई जाते सीधे इनके मुंह पे। अब मैंने तो सोचा था कि थोड़ा दूर से जाके निपटाएंगे, मेरे को क्या पता था ये भैया जी वहीं पहुंच जाते। देखो संजू बाबास, अबे बहामास ही रख लेता इससे अच्छा। अब इन भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 6 किल हो जाते। अब बातचीत कर ली जाए अपने टाइटल टॉपिक की। अब देखो आप लोग 100% जो कॉन्करर टारगेट होता है वो रीच कर लेते हो, फिर भी टॉप 500 के अंदर रैंक नहीं आती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले एक बात याद करो मेरी, अबे बताने तो दो फिर याद करना। तो देखो वो बात ये कि बीच में ना जो कुछ भी चेंज होता है, मतलब जो कुछ भी रिफ्रेश होता है, वो सुबह के 5:30 बजे रिफ्रेश होता है। तो जो कॉन्करर के लिए टारगेट रहता है, कॉन्करर के पॉइंट्स होते हैं, वो भी सुबह सुबह 5:30 बजे रिफ्रेश होते हैं। और 5:30 बजे कौन से कॉन्करर पॉइंट्स लिखते हैं, नहीं तुम खुद बताओ। वो क्या कोई भविष्यवाणी कर देते हैं कि कल के दिन तुम्हें इतने पे कॉन्करर मिलेगा? और बाकी डेली जिन बंदों को कॉन्करर मिलता है जिनकी 500 के अंदर रैंकिंग रहती है, वो भी सुबह 5:30 बजे रिफ्रेश होती है। तो देखो जिन बंदों को कॉन्करर मिलता है ना, जैसे आज 5 तारीख है और सुबह के 5:30 बज रहा है, तो आज के दिन जिन बंदों को कॉन्करर मिला है उनके मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए थे कॉन्करर के लिए, वो लिखता है वहाँ पे। और देखो पहली बता दूं, मेरी टीचिंग स्किल्स महाघटिया है, बिल्कुल महाघटिया, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें अच्छे से समझाने का, तो समझ लो। तो देखो सब कुछ रिफ्रेश होता है सुबह 5:30 बजे, तो 5:30 बजे ना वो कॉन्करर पॉइंट्स लिखता है जितने पे तुम्हें सुबह सुबह कॉन्करर मिला होता है। अब कल कितने पे मिलेगा वो बीच में ही थोड़ी बता सकते हैं, वो बंदे जितना प्लस करेंगे उस हिसाब से अगले दिन वहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे जो कॉन्करर पॉइंट्स लिखा होता है, जैसे कि आज 5000 लिखा हुआ है, तो 5000 पे सुबह सुबह सारे बंदों को कॉन्करर मिला है, तो उतना अब तुम करोगे तो उतने पे तुम्हें थोड़ी मिलेगा, और बंदे खेलेंगे तो पॉइंट्स बढ़ जाता है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा करना होता है। तो तुम ये मान लो कि वहाँ पे जितने भी कॉन्करर के लिए पॉइंट्स दिखाता है ना, वो सुबह सुबह के होते हैं और तुम उसके एक दिन बाद कॉन्करर ले रहे हो, तो तुम्हें उस हिसाब से एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलना होता है। और कॉन्करर कितने पे मिलेगा तुम्हें, रात के 11:30 बजे के आसपास 250 रैंक लगानी है, तुम्हें कॉन्करर मिल जाएगा सुबह। और अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे हमें कितना एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलना है? तो देखो अभी के टाइम पे सीजन स्टार्ट हुआ है, डेली का बहुत पॉइंट भाग रहा है, तो अभी तुम्हें जितना भी कॉन्करर के लिए पॉइंट दिखा रहा है तुम्हें उससे 110 एक्स्ट्रा प्लस करना है। और चिंता मत करो, देखो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं कि लास्ट तक इतना ही बढ़ता रहेगा, अभी धीरे धीरे करके ये कम होगा और एंड में जाके इसे 5-10 पॉइंट बढ़ेगा। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे जो भी तुम्हारे भाई ने समझाने का ट्राई किया है। अब क्या करूं यार, मैं समझा नहीं पाता हूं, तुम्हारा भाई समझ लेता है, दिमाग बहुत तेज है, बस बता नहीं पाता हूं। तो समझ जाना, अच्छे से ट्राई किया है समझाने का। और बाकी अब गेम प्ले देखो, तुम्हारे भाई ने जो ही जोर लेवल चिकन निकाला है, बस देखते जाओ। अब सबसे पहली बात, इतना ज्यादा घटिया जोन बना था ना स्टार्बर की साइड में, खैर अपने को क्या अपना चिकन हो गया, बस बात खत्म। अब देखो तुम्हारा भाई यहां पे वॉच टावर पे आके होल्ड कर लेता है, और हां बीच में जो अभी ये म्यूट आया था ना वो थोड़ी सी आवाज दब गई थी, अब मैं दोबारा नहीं बोलने वाला, तुम एडजस्ट कर लो। अब देखो उतने में आती है यहां पे एक अमीर गाड़ी की रोटेशन, एक्सूट वाले भैया जी। तो एक्सूट वाले भैया जी को भी भर दिया, अब तो लाइक करो, बड़े भड़वे लोग हो यार, लाइक ही नहीं करते। क्या बोला तूने? अरे मतलब मैं भड़वा हूँ कि मैं तुमसे लाइक करने की उम्मीद लगा लेता हूँ? नहीं पहले क्या बोला? वह पहले बाद में छोड़ो भैया, तुम लाइक कर दो यार। देखो तुम्हें एक और बढ़िया सा कार इसमें दिखाता हूँ, अब तो लाइक करो। त्रुम 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 त्रुम, अब तो लाइक कर दो भाई, क्लिक ही तो करना होता है, जब तुम एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते क्या करोगे जिंदगी में? खैर तुम्हें लाइक करना होगा तो कर दोगे, नहीं करना होगा तो खैर क्या ही बोलूं। अब देखो अपन आ जाते हैं आराम से जोन में, अब बस देखो यहाँ पे अब इन भैया जी को चमका के अपने अच्छे खासे 9 किल हो गए, तो उतने में ऊपर की साइड एक और भैया जी स्पॉट होते हैं। अब इन भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 10 किल हो जाते हैं। अब मेरे अलावा बच रहे लास्ट के 2 बंदे, और एक बंदा है सामने की साइड जो कि जोन के अंदर है, और एक भैया जी हैं एक्सूट वाले जिनकी किल फिट स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वो फैरो की बीवी। देखो ये पैरों वाले भैया जी को ठीक ठाक सा डैमेज दे दिया था, उतने में कुछ ये हो जाता है, किल चोरी साडा हो गया, की करिए। चलिए पेटी बनिए, चलो भैया चिकन निकाला जाएगा, सामने की साइड बंदा, और देखो कैसे निपटाया जाएगा।
अभिन भैया जी को एकदम आराम से निपटा के अपना हो जाता है एकदम डिलीशियस वाला विनर विनर चिकन डिनर। विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। ये ऑलवेज। और अब इस मैच से मिल जाता है अपने को अच्छा खासा 41 पॉइंट्स का प्लस और बाकी एस अपना आज हुआ है तो कल से एस के गेम प्ले आएंगे ना। और अभी देखो बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की तो इस वाले मैच में सबसे पहले तो देखो इवेंट पूरा क्लियर कैसे किया जाता है और बाकी तुम्हारे भाई ने शाउट आउट प्रक्रिया फिर से बंद कर दिया क्योंकि भैया एक बंदा खुश हो जाता है जिसको शाउट आउट दे दो बाकी 15-16 बंदे जो एक दो सेकंड से रह जाते हैं वो ऐसे करते हैं कि भैया मैं अनसब्सक्राइब करके जा रहा हूं मैच कर रहा तो बंद ही कर दो ऐसी चीज। वही चीज है ना कि जब इतने सारे लोग होते हैं ना तो सबको खुश नहीं रख सकते सबकी सोच अलग अलग होती है तो इसलिए बंद ही कर दो ऐसी चीज। अब अपने अच्छे खासे दो किल हो चुके थे अब सामने की साइड एक और बंदा तो और बाकी थ्रोबेबल से पहले फाइट लिया करो वो अलग बात है मेरे पास होते ही ना। अब इन भैया जी को तुम्हारा भाई बिना मतलब के नूरा फतेही बना देता है। कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है। ले भैया ओम पो ये किसके देहात का नेता जी मार दिया मैंने देख लेना भैया बिजली पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो मेरे अलावा लास्ट बंदा बच रहा है इवेंट पे और तुम्हारे भाई ने समन किया था लेकिन मैं रिकॉल नहीं उठा पाया और उस बंदे ने रिकॉल उठा लिया और बाकी मेरी किस्मत तो देख ही सकते हो कहां बना के पोर्टल। अब देखो तुम्हारे भाई को रिकॉल भी चाहिए और वो बंदा अपने पे नेट मॉली करे जा रहा है तो चलो फिर नेट गॉड की ताकत ही दिखा दे पहले। अब देखो पहले मैं सोचता हूं कि पहले रिकॉल कार्ड उठा लिया जाए उसके बाद आराम से फाइट लेंगे क्योंकि अगर गलती से निपट गए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मेरे को रिकॉल ही ना मिल रहा वो उसकी साइड को है तो फिर अब तुम्हारा भाई सोचता है पहले इवेंट को खाली करा जाएगा उसके बाद ही उठाएंगे रिकॉल तो फिर लो फिर देख लो देख रहे हो ना एकदम ध्यान से देख लो बहुत से बंदे तुक्का बोलते हैं ना हर मैच में तुम्हें इतने सारे तुक्के दिखा देता हूं लो फिर एक नेड फिर से काफी है। तो इस वाले तुक्के के लिए वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए और अपने अच्छे खासे चार किल के साथ पूरा इवेंट खाली हो जाता उसके बाद ब्रिज का जोन बनाता तो मैं आ जाता हूं ब्रिज ब्लॉक करने। और अभी के अभी कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से ये जोन कहां बनेगा पूरा जोन देख लो ये देख रहे हो इतना भयंकर वाला शिफ्ट देखा कभी पूरा जोन मिलिट्री बेस पे था लेकिन उधर की साइड को चला गया है क्यों क्योंकि मैंने ब्रिज ब्लॉक कर रखा है बीच में वाले साले जलते मेरे से। और ये जो चौड़ चौड़ में अभी अभी मैंने ये सुपर कार उठाई है ना भाई साहब बेकार उठा ली है ये गाड़ियों में कुछ नहीं है बस हूँ हूँ करती रहेंगी इतनी बेकार गाड़ी है चलती भी नहीं है ढंग से फिसलती रहती है। अब आलोक भैया जी के साथ तो प्रैंक सा ही हो गया बिल्कुल भैया जी गाड़ी पार्क कर रहे थे उतने में निपटा दिया एकदम आराम से। दिस इज हाउ एक गोली मार के किल चुराओ। अब इन भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे थाला फॉर रीजन किल्स हो जाते और जो सामने की साइड भैया जी अब उनको आना था जोन में तो देखो ले भैया ओम पो ये नेताजी दोबारा लपेट दिए गए। अब इन भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 8 किल हो जाते हैं उसके बाद अब देखो अपने साथ क्या सीन होने वाला है। अब ये गाड़ी फिसल बहुत ज्यादा रही थी यार इसलिए नहीं चढ़ा पाया वरना एक आधे बंदे पे तो चढ़ा ही देता। बाकी देखो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाई को थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।